In our news, hoping to prove a cut above the competition, Pakistani barber Ali Abbas relies on an unusual array of tools to practice his craft, including blowtorches, meat cleavers, and even broken glass. Watch this. नहीं ये आइडिया मैं एक दिन मतलब इसको मैं यूं कह लूं कि ये वो मजाक नहीं था ये मैं सोच रहा था मैं कुछ डिफरेंट करूं क्योंकि मेरी शुरू से ही मेरे मुझ में एक ये चीज रही है कि मैं कुछ नया करूं कुछ डिफरेंट करूं इस तरह की कोई फीलिंग्स नहीं आती स्किन से बहुत दूर होती है आग बस बालों के ऊपर ऊपर लगी होती है तो बहुत अच्छा फील होता है मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता बिकॉज टोके से कटिंग करवाने से बाल जो है कैंची से कटवाने से ज़्यादा ग्रो करते हैं सो इसलिए मैं टोके से कटिंग करवाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ और मैं अब यूज टू हो चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ जब से ये मैंने ये काम शुरू किया ना इसके बाद ना मतलब क्लाइंट्स बढ़ गए हैं लोगों का एतमाद बढ़ गया है और जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे नज़र आ रहे होते हैं ना लोगों को तो लोग कहते हैं कि नहीं यार हम इसको ट्राई करना चाहते हैं हमें इसको ट्राई करना चाहिए बना के